प्रकरण ये है कि राहुल गांधी जो खाते हैं भारत का और गाते हैं बाहर देश में जाकर, इससे साबित होता है कि इनका जो डीएनए है सचमुच डीएनए में कुछ तो खराबी है। मतलब इटली का डीएनए है, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके की भाषा वो बोल रहे बार बार बाहर जाकर, उनको भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश जिसने सभी को अपने आत्मसात किया है सभी चीजों को, और उस देश के खिलाफ आप बाहर जाकर अगर किस ऐसी भाषा का वक्तव्य करते हो, संविधान की, कभी जातियों में बांटने की, ये सब गलत चीजें हैं। संविधान के ऊपर उन्होंने कहा कि संविधान, अगर हम वापस सरकार में आएंगे तो संविधान में बदलाव लाएंगे, संविधान बदलेंगे वगैरह वगैरह, इन्होंने जो वहां बाहर जाकर बोला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी 1975 में उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाद कर इस देश पर संविधान का मजाक उड़ाया था उन्होंने। तो ये संविधान के ऊपर बोलने के लायक ही नहीं है कांग्रेस वाले। संविधान इनके पैर की जूती के जैसा इन लोग यूज किया है संविधान को, इन लोगों ने हमेशा, मतलब जब जब जहां जहां संविधान का सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया है। 1984 के दंगे आप देखोगे, 1984 के दंगे में 3,000 सिखों की जघन्य हत्या की थी इन्होंने, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने। आज भी जेल काट रहे हैं कई कांग्रेस के पदाधिकारी। और आपको कहना चाहूंगा, ये पप्पू बाहर देश जाकर बोलता है कि इस देश में मैं जब हमारी सरकार आएगी तो पगड़ी की आजादी दिलाएंगे हम। अरे कौन सी पगड़ी की आप आजादी दिलाओगे? 1984 में लोगों ने अपनी पगड़ियां उतारी, अपनी दाढ़ियां कटवाई सिखों ने, सिर्फ इनसे बचने के लिए। और ये पगड़ी की बात करते हैं? अरे आप छोड़ो, इस देश ने तो एक पगड़ी वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये कैसा देश है? ये देश एक ऐसा देश है जहाँ एक महादलित राष्ट्रपति बनता है, एक मुस्लिम राष्ट्रपति बनता है, ये एक आदिवासी राष्ट्रपति बनता है। लोकतांत्रिक ढांचा अपना बड़ा मजबूत है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग। ये कदापि ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और हमारे नेता कभी, ये हमारे पक्ष भी ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर आज उनके खिलाफ एक निषेध आंदोलन लिया है, और जब जब ऐसा कोई भी घटना घटेगी उसके ऊपर हम लोग जरूर प्रतिक्रिया देंगे, यही हमारे पक्ष का मोटिव है। आतापर्यंत हिंदुस्थानाच्या इतिहासामध्ये या काँग्रेस सारखे दळभद्री लोक भेटली नाही, आणि या महाराष्ट्राची परंपरा आहे, अनेक थोर संतांचे लोकांचा सत्कार सन्मान केला आहे, घटनेचे महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना लिहिली याच्या विरोधात या राहुल गांधींनी वक्तव्य करणं, सरदारांच्या विरोधात वक्तव्य करणं, या भारताच्या इतिहासात मध्ये महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये कधीच झालं नाही। म्हणून आम्ही विभाग क्रमांक 2 वतीनं आमचे लालसिंग राठोड विशाखा सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि माननीय मुख्यमंत्रीच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही या काँग्रेसचा जाहीर निषेध करतो। कारण हे राहुल गांधी अत्यंत हे अशी काँग्रेसला लाभलेले दळभद्री लोक, संजय राऊत सारखे दळभद्री लोक, जे सकाळी येणारे 10 भुकणारे कुत्रे, या महाराष्ट्राला ज्यांनी बाळासाहेबांचे बोलताना नखाचाही गुण येणार नाही असे एक कुत्रे 10 येऊन भुकतात या आपल्या राज्यावरती, की चुकीच्या लोकांना या महाराष्ट्राला माहीत आहे, या अशा लोकांना चपलंने मारलं पाहिजे। आणि राहुल गांधीचाही आम्ही काँग्रेसचा निषेध करतो, आणि महामानव बाबासाहेबांच्या घटनेने जी आपल्याला अधिकार दिलेत त्या घटनेला कोणीच हलू शकत नाही, त्यासाठी आम्ही या काँग्रेसचा निषेध करण्यासाठी उपस्थित आहे। मी हे वक्तव्य चुकीचं केलेलं आहे, आम्ही शिवसेनेच्या माध्यमातून त्यांचा तीव्र निषेध करत आहोत। हे असं बोलणाऱ्याला कदापि शिवसेना माफ करणार नाहीये, आणि यापुढे आम्ही सर्व लोकांना प्रचार करताना पण हेच सांगणार आहे की अशी वक्तव्य करणारे तुम्हाला भारताचे प्रधानमंत्री म्हणून चालतील का? नाही चालणार। त्यामुळे तुम्ही याचा तीव्र निषेध करायचा आहे, आणि आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, प्रधानमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्हाला पुढे जायचं आहे।